तो सेकंड गुड न्यूज ये है कि मेजर चीजों के बारे में बात कर लूं, मेजर नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 12 दिसंबर 2021। जो प्रीवियस मेरा व्लॉग 30th नवंबर का था, तो दो गुड न्यूज है, वो आगे आपको बताता हूँ व्लॉग में। लेकिन उससे पहले कुछ मेजर चीजों के बारे में बात कर लूँ, मेजर नहीं है, एक ऐसे ही लोगों को पता होता है लेकिन वो इग्नोर करते। जो भी डॉग ओनर है उल्वे में, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने डॉग्स को, भले वो कितना भी ट्रेंड हो, उसे लीश पे रखो। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पसंद नहीं है अपने डॉग को लीज पे रखना, अपने हिसाब से वो घूम सके फिर सके। लेकिन उसके लिए एक ऐसा खाली एरिया में जाओ जहाँ लोग नहीं है और दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, जाओ वहाँ उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन क्या होता है, लोग ऐसे भी है, भले आप मुंबई में बोलो, कहीं भी बोलो, इंडिया के कोई भी कोने में बोलो, और उल्वे में मैंने देखा है करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डॉग ओनर हो तो प्लीज मत छोड़ो। क्योंकि क्या हो जाता है, हमें अपने डॉग पे भरोसा होता है, जो रस्ते में चल रहे आजू बाजू वालों को भरोसा नहीं होता है, तो क्यों आपको उनकी प्राइवेसी, उनका एक फियर होता है उनको। और एंड ऑफ द डे अगर आपका वेल ट्रेंड डॉग है, ऐसा नहीं जो घर पे हमारे कमांड्स मानते हैं, वो वाले नहीं बोल रहा, इसलिए मैंने बोला ट्रेंड। एक होता है वेल ट्रेंड डॉग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके डॉग्स, मेरा खुद का डॉग है, मेरे पास खुद बीगल है, लेकिन क्या है वो भी घर पे जो है वो सारी बात मानती है, उठ बैठ, इधर आ उधर आ, इधर ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन सीन क्या हो जाता है कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि हमारा कुत्ता बहुत सारी बात मानता है। लोग जो दूसरे रोड पे चल रहे हैं, लोग डरते हैं, तो थोड़ा ना वो रिस्पेक्ट करो उनकी। क्योंकि इधर बहुत सारे लोग देखे मैंने उल्वे में, बेवकूफ या बहुत ही अति शाणे लोग, उनको ऐसा लगता है कि उनका डॉग बहुत कंट्रोल में है। ऐसा नहीं होता बॉस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं भले ही आपका डॉग कंट्रोल में होगा, आपको उस पर भरोसा है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो जाए, जो रोड पे चल रहा है, बच्चे होते हैं, दूसरे का कोई दूसरा अपना डॉग घुमा रहा है, वो लीश पे है, तुम्हारा डॉग लीश पे नहीं है। और कल जाके अगर आपका डॉग एकदम से अटैक कर लेगा, या उसको ऐसा लगेगा, क्योंकि आपके डॉग को देख के कोई डर जाता है और वो फियर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा जहां आपके डॉग को लगेगा ये उसके लिए फियर है, उसको खतरा है, तो वो अटैक करेगा करेगा। आप कितना भी बोल लो कि नहीं मेरा डॉग एकदम वेल ट्रेंड है, ये जब वो जानवर है, जब इंसान को अगर आप ऐसा पत्थर उठा के ऐसा दिखाओ तो इंसान भी एक बार डर जाता है, वो अपने डिफेंस में चले जाता है। तो ये लोग तो डॉग है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं भी अपने डॉग को बच्चे जैसा मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर जो सुन रहा है और मेरे बातों से सहमत है, कमेंट में बताइए और शेयर करिए ये वीडियो को। इतना पोर्शन भी अगर आप रिकॉर्ड करके शेयर कर दोगे बहुत बड़ी बात है। आई बिलीव सुबह सुबह मेरे को आपके सेंटिमेंट्स को ये नहीं करना था, लेकिन मैंने अभी भी देखा बहुत सारे जन हैं इधर। आप लीश पे रखो, घर पे कोई, हम लोग सब खुला ही रख, या तो जल्दी आ जाओ जब कोई लोग नहीं होते, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लो, क्यों आपके डॉग को ही एडजस्ट करना है। तो आप समझ सकते हो तो रिलेट करोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी भाई। आई एम सॉरी अगर आपको क्लैरिटी थोड़ा डल आ रहा होगा, क्योंकि मैं कैमरा यूज़ नहीं कर रहा, बाहर आया हूँ, बहुत दिनों बाद मैं ये टाइमिंग पे जॉगिंग के लिए आया था, उसके वजह से मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो पहली जो गुड न्यूज़ है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला था मेरे प्रीवियस व्लॉग में, मैंने बोला था कि ये वीडियो आते आते हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और वही हुआ। थैंक यू वेरी मच गाइज, जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है। अभी हम लोग है 116 पे, अभी देखते हैं आप कितना दूर लेके जाते हो। मेरे बात से कुछ डॉग ओनर को बुरा लगा होगा, लेकिन जो सच है वो सच है, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा दूसरे प्राइवेसी को। डायरेक्टली अपने कुत्ते को छोड़ दोगे, आपका कितने डॉग देखे मेरे पास, मैं चलता हूँ तभी एकदम से आ जाते, चलो मैं डॉग फ्रेंडली हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन जो दूसरे लोग होते वो तो डरते, आपको ऐसा लगता है आपका कुत्ता कुछ नहीं करेगा, तो प्लीज़ थोड़ा समझो दूसरे के भी प्राइवेसी को। चलो अभी जाते, काम है, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं क्यों जल्दी जा रहा हूँ घर पे। तो सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि हो गया अपना जॉब चेंज, हो गया है बीच में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो यूज़ टू हो रहा था मैं कंपनी में, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन नहीं ला रहा था, ट्रेनिंग पीरियड था इस वजह से। आई थिंक सो वेलकम मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो ये दूसरा गुड न्यूज़ था। अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।
सोचा था ऑफिस से आने के बाद ब्लॉग करूंगा, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं है, पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, तो मैं कल कंटिन्यू करता वीडियो को।